आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत इन है। हर ये फेस रोलर कुछ इस टाइप का होता है। इसे हम फेशियल के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, नाइट स्किन केयर पे भी यूज कर सकते हैं, मेकअप के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। एंड इवन इसको फ्रीजर में रख करके उसके बाद हम जब भी थोड़ा चिल्ड हो जाए तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अब मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगी। यूजेस आपको ये इसके यूजेस है। पहला यूज कि आप इसको नाइट केयर में यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि नाइट में हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी फेस होती है, वो रिलैक्स मोड पे होता है। तो नाइट में चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। फेस रोलर ड्राई फेस पे यूज मत करना, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी फायदा। हमेशा कोई भी ऑयल लगा करके, मतलब फेशियल ऑयल हो गया या मॉइस्चराइजर ऑयल हो गया, या मॉइस्चराइजर लगा करके ही हमें ये रोलर यूज करना है। ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो बड़े फेस के लिए, बड़े एरिया पार्ट्स के लिए यूज करना है। यानी छोटा वाला अंडर आईज है, जॉ लाइन है, ये हमें इस पे यूज करना है। बेनिफिट्स क्या है इस रोलर के यूज करने के लिए? इसका बेनिफिट, पहला बेनिफिट है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। जब भी हम कोई मसाज करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट ये इमल्सिफाई करेगा, जब हम ऐसे रोल करेंगे, मसाज करेंगे, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो हमारा जो ग्लो है वो और बढ़ेगा। इसलिए और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इवन स्किन टोन हो जाती है, बहुत ज्यादा शाइन करने लगती है स्किन इसके रेगुलर यूज से। और आपका मतलब फेस भी स्लिम होने लगता है अगर हम ये रेगुलर यूज करें। और अंडर आई डार्क सर्कल पे भी बहुत इफेक्टिव है। जिसके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, वो कोई भी नाइट ऑयल लगा के या इवन सीरम लगा करके आप इससे मसाज कर सकते हैं छोटे पार्ट। अब आप ये सोचोगे कि आप ये रोलर भी ले और फिर हमारे पास हमें ऑयल भी लेना पड़ेगा, ये नहीं है वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक मॉइस्चराइजर क्रीम भी ले सकते हैं। मॉइस्चराइजर क्रीम को थोड़ा सा ज्यादा लगाना और पहले हाथ से मसाज कर लेना, जैसे भी इफेक्टिव है। आपके पास सीरम है, आप सीरम से भी यूज कर सकते हैं, बट रात में करना। इवन की जो शीट मास्क आजकल चल रही है, आप शीट मास्क को भी यूज कर सकते हैं। थे हमारे इसके बेनिफिट्स और आपको ये कब कब यूज करने हैं। सिर्फ रात में ही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, और डेली यूज करो। डेली आपको रात में करना है। आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हो, अगर समझ है आप समझ में फ्रीजर में स्टोर करके इसको रख लो फ्रिज में। जब आपको यूज करना है आप तब निकालो इमीडिएटली एंड यूज करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड, अब हम ये रोलर यूज करना है। लार्जेस्ट पार्ट से यूज करना है, कॉलर बोन एंड नेक, अप एंड डाउन विद लाइट प्रेशर। ये हमें 4 to 5 टाइम्स रिपीट करना है, लाइट प्रेशर। थर्ड स्टेप, चीक एंड जॉ लाइन। हमें ईयर की तरफ ऊपर लेके जाना है मीडियम प्रेशर के साथ विद दिस पार्ट। सेम ऐसे ही दूसरी साइड करना है। 5 to 6 टाइम्स रिपीट करना है। स्टेप 4, फोरहेड। लार्जेस्ट पार्ट से ही हमें करना है अपवर्ड, फोरहेड के सेंटर से अपवर्ड विथ मीडियम प्रेशर। अब साइड्स में करना है 5 to 6 टाइम्स विद मीडियम प्रेशर। स्टेप 5, अंडर आईज। हमें इस छोटे पार्ट से करना है अंडर आईज में, लाइक दिस। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक हमें मूव करना है विद लाइट प्रेशर 5 to 6 टाइम्स।
सेम ऐसे ही दूसरे साइड। स्टेप सिक्स, ब्राउज। इसी छोटे पार्ट से हमें ब्राउज को भी करना है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। फाइव टू सिक्स टाइम्स रिपीट करना है। स्टेप सेवन, जॉ लाइन। अगेन हमें स्मॉलेस्ट पार्ट यूज करना है एंड ऐसे मीडियम प्रेशर के साथ करना है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। हमें फाइव टू सिक्स टाइम्स रिपीट करना है दोनों साइड विद मीडियम प्रेशर। अब ये सब तो यूज और बेनिफिट की बात तो हो गई, अब इसको क्लीन कैसे करना है, इसे केयर कैसे करनी है। यूज करने के बाद हमेशा क्लीन करके रखना, ये नहीं कि आप ही यूज कर रहे हो पर्सनल है, चलो ठीक है एक बार दो बार तीन बार यूज कर लिया, नहीं, आपको हर यूज के बाद ही क्लीन करना है। माइल्ड शैम्पू है या हैंड वॉश है, हल्का सा उसमें डिटॉल डाल करके आप इसको क्लीन कर लेना, उसके बाद आप फिर दोबारा यूज कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।